हाँ तो गाइस फाइनली 52 डेज के बाद मेरे यहाँ पे जो वीडियो आ चुका है, मेरे एग्जाम्स थे गाइस, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे जो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एनीवे गाइस ये वाले वीडियो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम सब यहाँ पे फैक्ट वीडियो क्रिएटर्स के लिए, जो भी लोग यहाँ पे फैक्ट वीडियोज बनाते हैं। मतलब अगर तुम भी यहाँ पे फैक्ट वीडियो क्रिएटर हो, तुम भी यहाँ पे जो फैक्ट वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे, तुम्हारे जितना भी सब्सक्राइबर हो गाइस, तुमको ये वाला वीडियो हर हालत में वॉच करना है, बिकॉज ये काफी ज्यादा अर्जेंट वीडियो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दैट्स व्हाई गाइस मैं ये वाले वीडियो पे ज्यादा एडिटिंग भी नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे एडिटिंग पर लगा हुआ है, ठीक है। मैं वो वाला वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाला था, बट मैंने सोचा ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अर्जेंट है, दैट्स व्हाई मैं इसको यहाँ पे जो फटाफट से शूट करके अपलोड करता हूं। तो गाइस मैं यहाँ पे तुमको बता दूं कि आखिर यहाँ पे बात क्या है, ठीक है। तो देखो ऐसे में अगर तुम्हारे यहाँ पे फैक्ट चैनल है, तो अभी धराले में जो काफी ज्यादा यहाँ पे चैनल डिलीट हो रहे हैं, एक के बाद जो एक चैनल यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं, मिलियन वाले जो चैनल यहाँ पे डिलीट हो रहे हैं, कुछ यहाँ पे सेकंड्स में डिलीट हो रहे हैं, मतलब किस टाइप से डिलीट हो रहे हैं, तुमको क्या करना है जिससे तुम्हारे चैनल यहाँ पे डिलीट ना हो, या फिर अगर तुम भी यही वाला सेम गलती करते हो तो तुम्हारा भी कई चैनल जो हाथ से निकल जाएगा। एंड जो तुम्हारे यहाँ पे वर्षों का मेहनत है, एंड जो तुमने इतने यहाँ पे डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाया उसको अपलोड किया, तुम्हारे व्यूज नहीं आते होंगे तब भी तुमने यहाँ पे जो वीडियो अपलोड किया, एंड तुम्हारा एक दो वीडियो वायरल हुआ, थोड़ा अभी यहाँ पे चैनल चलने लगा है, तो ऐसे में अगर तुम्हारा यहाँ पे चैनल डिलीट हो जाता है तो तुमको कैसा फील होगा गाइस। तो इसीलिए गाइस तुमको ये वाला वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करके जो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी ले लेना है। तो गाइस एक्चुअली मैं यहाँ पे जो मुझे भी स्ट्राइक आ चुका है, मुझे भी आ चुका है, मतलब जो मेरा यहाँ पे फ्रेंड है उनका भी यहाँ पे फैक्ट चैनल था, तो उसके भी चैनल पे यहाँ पे स्ट्राइक आ चुका है, दैट्स व्हाई मैं ये वाला वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो गाइस अभी जो मेरा यहाँ पे फ्रेंड का चैनल है, ठीक है, उसका मेरे पास यहाँ पे पूरा एक्सेस है, तो मैं तुम लोगों को ये वाला वीडियो पे जो यहाँ पे उसका वाईटी स्टूडियो वगैरह पे सारा चीज पे ले जाकर दिखाऊंगा कि किस टाइप से उसको स्ट्राइक आया, कौन सा मेल आया, एंड किसके तरफ से उनको यहाँ पे जो स्ट्राइक पड़ा, और गाइस उसका चैनल क्या यहाँ पे बचा हुआ रहेगा या फिर डायरेक्टली यूट्यूब से उनका चैनल जो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, सारा चीज मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला वीडियो में, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कोई भी वीडियो को एंड तक देखो या ना देखो यार, बट ये वाला वीडियो को देख लेना, तुम्हारा यहाँ पे जो करियर का बात है, ठीक है। और ये वाला मैटर से रिलेटेड यहाँ पे जो है, मैं तुम सब लोगों को एंडिंग में यहाँ पे मैसेज देने वाला हूँ। मतलब देखो यार, जितना भी मेरे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे यूट्यूब पे हूँ, ठीक है, तो जितना भी मेरे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पे मैं तुम लोगों को यहाँ पे कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ, वो वाला कुछ सुन के जाना, ठीक है, जिससे तुम जो यहाँ पे हमेशा सेफर साइड पर रहोगे और तुम्हारा चैनल वगैरह कभी भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक्चुअली मैं यहाँ पे जो अभी एनिमेशन वाले फेक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, जो भी है सब लोग यहाँ पे जो इस पे वीडियो बना रहे, ठीक है, मतलब जो एनिमेशन वाला क्लिप्स होता है, ठीक है, उसको कट करके यहाँ पे जो है उसके ऊपर वॉइस ओवर डाल के जो यहाँ पे मिलियंस में व्यू छाप रहे हैं, जो भी फेक वीडियो बनाने वाले हैं वो लोग, इसमें दबा के यहाँ पे जो मिलियंस में सब्सक्राइबर एंड व्यूज आते हैं, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा व्यूज आते हैं, करोड़ में तुमको ये वाले वीडियो पे व्यूज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो भी यहाँ पे फेक वीडियो क्रिएटर है, ठीक है, वो लोग जो यहाँ पे एनिमेशन वीडियो अभी दबा के बना रहे थे, ठीक है, जिससे उनका चैनल का यहाँ पे जो ग्रोथ हो सके, शॉर्ट फंड वगैरह जो भी है वो थोड़ा यहाँ पे मिल सके, एंड किसको नहीं लगता है कि मेरा चैनल यहाँ पे ग्रो हो, ठीक है, सबको चाहिए कि मेरा चैनल यहाँ पे ग्रो हो, तो वो लोग भी यहाँ पे कोई गलत नहीं है, ठीक है, मैं सब यहाँ पे बताता हूँ कि आखिर होता क्या है। तो वैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली में जो ये वाला चैनल है, ठीक है, सीजी मीटअप, तो इसका यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 मिलियन का सब्सक्राइबर है, ठीक है, तो ये वाला चैनल जो यहाँ पे भी सबको स्ट्राइक दे रहा है, ठीक है, तुम देख सकते हो इसका यहाँ पे एनिमेशन वाला यहाँ पे जो वीडियो आता है, बहुत सारे यहाँ पे एनिमेशन वाला तुमको वीडियो देखने को मिल जाएगा, इसका बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग वीडियो रहता है, ठीक है, और इसमें वॉइस वगैरह नहीं रहता है, यहाँ पे जो वॉइस वगैरह डालता है खुद, और भी एक चैनल है, मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, ये सीजी ब्रोज, ठीक है, द सीजी ब्रोज, इसमें 4 मिलियन का यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस है, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो ये लोग भी यहाँ पे जो एनिमेशन वाले वीडियो बनाते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है, तो मतलब बेसिकली दोनों जो यहाँ पे चैनल एनिमेशन का है, तो उधर से तुम लोग यहाँ पे जो मतलब जो भी क्रिएटर है वो लोग यहाँ पे क्लिप लेते हैं, तो मेरा जो यहाँ पे फ्रेंड था गाइस, वो जो यहाँ पे यही वीडियोज में से यहाँ पे छोटा छोटा जो क्लिप यहाँ पे काट करके जो है उसके ऊपर वॉइस ओवर करता था, एंड उसको यहाँ पे जो एज अ फेक वीडियो अपलोड करता था, ठीक है, ये जितने भी तुमको वीडियो देखने को मिल रहा होगा ये सारा जो यहाँ पे सीजी मीटअप का वीडियो है, मतलब ये यहाँ पे बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, तो मैं तुमको डायरेक्टली जो एनालिटिक्स में लाकर दिखाता हूँ, तो अभी तुमको जो गाइस ये एक बात यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये वाला चैनल जो है सीजी मीटअप, और एक वाला ये वाला जो चैनल है, ठीक है, सीजी ब्रोज, ठीक है, ये वाला मैं तुमको दिखा देता हूँ, द सीजी ब्रोज, ये दोनों कॉपीराइट मार रहे हैं, ठीक है, एक द सीजी ब्रोज एंड जो तुम्हारा एक मैंने तुमको दिखाया अभी यहाँ पे सीजी मीटअप, ठीक है, तो इन दोनों इन लोग से गाइस तुमको यहाँ पे जो बच के रहना है, ये लोग अभी यहाँ पे जो काफी ज्यादा स्ट्राइक मार रहे हैं, ठीक है, तो चलो गाइस मैं तुमको यहाँ पे डायरेक्टली जो यहाँ पे मेल दिखाता हूँ कि जो वाला जो हमको यहाँ पे मेल आया था, ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाता हूँ जीमेल पे, और मैं तुमको सबसे पहले यहाँ पे मेल दिखाता हूँ, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये वाला जो यहाँ पे मैं मेल को यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो तुम देख सकते हो गाइस योर वीडियो हैज बीन टेकन डाउन फ्रॉम यूट्यूब, दो दोस्त के हौसले, ठीक है, ये वाला टाइटल था, तो ये देख सकते हो फैक्ट दोस्त, ठीक है, मैं अभी एनालिटिक्स पहले तुमको ले जाकर दिखाता हूँ वाईजी स्टूडियो में, तो फैक्ट दोस्त चैनल का नाम था, तो उस पर ये वाला वीडियो यहाँ पे जो टेक डाउन होकर हटा दिया, ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे तुम देख सकते हो वीडियो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे रिमूव भी हो चुका है, और यहाँ पे जो कुछ भी मतलब हेल्प वगैरह तुमको अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये वाला वीडियो अगर यहाँ पे एक बार हट चुका है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे हट जाता है यूट्यूब से, ठीक है, अब मैं तुमको यहाँ पे जो वाईजी स्टूडियो का ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लाइक तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको वाईजी स्टूडियो यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, और ये वाला वीडियो था तुम यहाँ पे देख सकते हो, अभी तुमको यहाँ पे क्लेम दिख रहा होगा और यहाँ पे वीडियो रिमूव हो चुका, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो रेस्ट्रिक्शन आ चुका है और यहाँ पे जो वीडियो रिमूव हो चुका डायरेक्टली, ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इसका यहाँ पे जो मतलब स्टार्टिंग पे अच्छा यहाँ पे व्यूज आ रहा था, इसे इनका जो 2400 सब्सक्राइबर भी हो चुका था, ठीक है, बट अभी ये वाला वीडियो यहाँ पे डायरेक्टली उड़ चुका है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है मतलब, तो ये वाला वीडियो यहाँ पे एक्चुअली में जो अपलोड हुआ था 11 अक्टूबर को, ठीक है, और इस पर तुम देख सकते हो 14,000 व्यूज 700 लाइक आ चुका था, अच्छा खासा ये वाला वीडियो परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, 14,000 व्यूज डायरेक्टली चला गया था, और यहाँ पे मेल जो आया यहाँ पे कॉपीराइट का वो मैं तुमको दिखाता हूँ कब आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेल खोलता हूँ, ये वाला खोलता हूँ, ठीक है, तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम 4:26 में, ठीक है, मतलब 12 अक्टूबर को ये वाला मेल है 4:26 में, तो कितना जल्दी यहाँ पे जो मेल आ चुका है, 11 को मैंने अपलोड, मतलब मेरा जो फ्रेंड था उसने यहाँ पे जो वीडियो अपलोड किया, ठीक है, 11 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर को यहाँ पे जो कॉपीराइट का मेल आ चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे जो डेस्कटॉप मोड पे आ चुका, ठीक है, इसका यहाँ पे जो यहाँ पे तुमको ओपन करके दिखाता हूँ, तो तुम देख सकते हो 3 में इसका जो यहाँ पे एक स्ट्राइक आ चुका, ठीक है, मतलब 3 स्ट्राइक आएगा तो तुम्हारा डायरेक्ट जो यहाँ पे चैनल उड़ जाएगा, ठीक है, जो कॉपीराइट स्ट्राइक है, दैट्स व्हाई तुम्हारा जो 3 स्ट्राइक आएगा अगर जी, तो डायरेक्टली चैनल उड़ जाता है वहाँ पे, ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैं तुमको थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ,
कॉपीराइट भाई कंटेंट रिमूव बाय सीजी मीटअप, ठीक है। सीजी मीटअप के द्वारा ये वाला कॉपीराइट आया जो वो एनिमेशन वाला चैनल है, 12 अक्टूबर को यहाँ पे जो कॉपीराइट है, ठीक है। और ये वाला कॉपीराइट तुम्हारा जो यहाँ पे जो हटेगा 10 जनवरी को हटेगा, ये ऑटोमेटिकली हट जाता है बेसिकली, बट फिर भी इसे तुम्हारा जो रीच वगैरह वो जो होता है वो थोड़ा यहाँ पे डाउन चला जाता है। तो ये वाले मैंने तुमको जो सारा प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा तुमको यहाँ पे कुछ बातें बताता हूँ। तो एक बात मैं तुम लोग और बताना चाह रहा था, देखो ये वाला जो यहाँ पे सीजी मीटअप का चैनल है, ठीक है, इसका जो यहाँ पे लेटेस्ट वीडियो जो है ये वाला 13 दिन पहले डाला इसने, ठीक है। तो ये वाला वीडियो में जो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको आगे बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम कॉपीराइट वगैरह क्यों दे रहे हो, ठीक है। मतलब जो क्रिएटर है इधर का यहाँ पे जो मैनेज है, वो लोग वॉइस ओवर वगैरह जो भी होता है वो ऐड करते हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो उसने यहाँ पे रिप्लाई भी किया, ठीक है। और रिप्लाई जो यहाँ पे गाइस बहुत बड़ा किया है उसने, और उसने बोला है वही गाइस कि ये वाला जो हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे जो मतलब ऐसा किसी को भी यहाँ पे यूज करने नहीं दे सकते हैं। और जो भी यहाँ पे फेक वाले चैनल है, ठीक है, उसको यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना होगा और हम लोग उसको यहाँ पे कॉपीराइट देंगे, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे अगर कंटेंट यूज करता है, क्योंकि इसको बनाने में हम लोग को यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। जो भी एनिमेशन वगैरह का काम होता है उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगता है। तो उसने वही बोला कि अगर तुम लोग मेरा वीडियो यूज करोगे तो मैं तुमको यहाँ पे जो 100% कॉपीराइट दूंगा। तो गाइस मेरे फ्रेंड के चैनल के बारे में मैंने तुमको यहाँ पे जो सारा चीज बता दिया, ठीक है, मतलब जो भी मेल वगैरह था सारा चीज मैंने तुमको बता दिया, यहाँ पे दिखा दिया ले जाके स्क्रीन पर। तो उसको भी मैंने थोड़ा यहाँ पे समझा दिया कि ये तुम्हारा यहाँ पे पहला स्ट्राइक है, ठीक है, और यहाँ पे अगर लगातार 3 स्ट्राइक आता तब तुम्हारा चैनल डिलीट होता, और ये वाला भी स्ट्राइक जो है यहाँ पे कुछ दिन बाद हट जाएगा। तब तक तुमको यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना है, बिल्कुल यहाँ पे जो अच्छे तरह से वीडियो अपलोड करना है, किसी का भी यहाँ पे कॉपी नहीं करना है। और भी उसने जहाँ पे सीजी मीटअप के और भी कुछ यहाँ पे वीडियो लेते, तो मैंने उसको बोला कि ये सारा वीडियो अभी प्राइवेट कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर वो उस पर फिर से स्ट्राइक देते तो 3 स्ट्राइक आ जाएगा और उससे चैनल जो यहाँ पे उड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि सारा वीडियो यहाँ पे प्राइवेट कर दो। और अभी मैंने यहाँ पे 2-3 इंटरव्यू देखे जिसपे जो यहाँ पे मिलियंस वाले जो चैनल थे उनका जो यहाँ पे चैनल डिलीट हो गया, ये वाला सेम रीजन की वजह से, बस एनिमेशन वाला जो क्लिप्स वगैरह का यूज करने से। तो लोगों के लिए गाइस मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा जो मतलब यहाँ पे बैड फील हो रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं यहाँ पे। सब यहाँ पे जो सीजी मीटअप के हाथ पे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कॉपीराइट मारा और यहाँ पे चैनल डायरेक्ट उड़ा दिया, ठीक है। एक को तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 2 स्ट्राइक दिया, ठीक है, और उसका चैनल अभी बचा हुआ है, तो वो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे कंटेंट यूज करेगा, आप यहाँ पे मतलब कोई भी कॉपी वगैरह नहीं करेगा, किधर से भी उसको यहाँ पे डाउनलोड वगैरह नहीं करेगा, खुद का कंटेंट बनाएगा, तो उसे उसका चैनल में यहाँ पे जो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा बट इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब चैनल तो बचा हुआ है ऑब्वियसली। और गाइस मैंने एक भाई का यहाँ पे जो चैनल देखा, ठीक है, उसको डायरेक्टली गाइस यहाँ पे 3 स्ट्राइक आ चुका है, मतलब यहाँ पे उसको बचने का कोई भी मौका ही नहीं मिला, डायरेक्टली 3 स्ट्राइक आया, डायरेक्टली उसका चैनल उड़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे उसको किसी भी तरह से कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली सीजी मीटअप के द्वारा जो 3 स्ट्राइक आ चुका है 3 वाले वीडियो पे, ठीक है, मतलब बहुत सारे वीडियो यूज किए होंगे, तो दैट्स व्हाई डायरेक्टली उसको यहाँ पे 3 स्ट्राइक आ चुका है, और डायरेक्टली गाइस उस भाई का यहाँ पे जो चैनल ही उड़ चुका है, अब उसके पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे बचा ही नहीं गाइस। तो ये सारा सुन के मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बैड फील हुआ यार, इसलिए गाइस मैंने ये वाला वीडियो बनाया कि मतलब मेरे जो भी सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे जो और ये वाला गलती ना करे, और उनका जो चैनल है गाइस जो भी यहाँ पे इतना ज्यादा मेहनत से जो अपने यहाँ पे चैनल को खड़ा करते हैं एक लेवल पे, उसका चैनल के साथ यार यहाँ पे कुछ भी गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि एज ए यूट्यूबर मुझे ही पता होता है कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना जो यहाँ पे झमेला होता है, ठीक है, तब जाके एक वीडियो यहाँ पे रेडी हो पाता है, और ऊपर से उस पर व्यूज वगैरह भी नहीं आता शुरू शुरू में। तो देखो गाइस मैं तुमको यहाँ पे कुछ एंडिंग का बात बता देता हूँ जिससे यार तुम थोड़ा यहाँ पे सेफ रह सकते हो, ठीक है। तो देखो नंबर 1 तुमको क्या करना है कि सबसे पहला चीज ये करना है कि सीजी मीटअप और जो द सीजी ब्रोज है उसका यहाँ पे एनिमेशन वीडियो गाइस किसी हर हालत में यूज नहीं करना है, वो तुमको 100% यहाँ पे जो मतलब स्ट्राइक देगा, तो उसका वीडियो तुमको किसी भी हालत पे यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि हैदर भाई फिर हम लोग यहाँ पे जो एनिमेशन वाला वीडियो किधर से लाए, तो गाइस मैं तुमको बता देता हूँ कि मैं अगर जी मुझको कुछ पता चलता है कि ये वाला वीडियो जो किधर से मिलता है, ठीक है, एनिमेशन वाला जो लोग यहाँ पे जो मतलब स्ट्राइक वगैरह ना दे सके, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर यहाँ पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए गाइस तुम ये वाला एनिमेशन वाला जो वीडियो है सीजी मीटअप वाला और जो सीजी ब्रो है उसका यहाँ पे वीडियो छोड़ दो, क्योंकि भाई स्ट्राइक आ जाएगा तो चैनल ही उड़ जाएगा, तो फिर तुम यहाँ पे जो क्या वीडियो डालोगे। तो दैट्स व्हाई मैं तुमको अगर बोलता हूँ कि अगर तुमको किसी का वीडियो भी लेना है तो तुम दूसरा वाला मतलब चैनल से ले सकते हो, ठीक है, वो लोग इतना स्ट्राइक नहीं मारते हैं, बट ये सीजी मीटअप वाले गाइस यहाँ पे बैक टू बैक स्ट्राइक दे रहे सबको। तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि कुछ अगर तुम्हारा यहाँ पे चैनल है देख ज्यादा छोटा चैनल है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, तो वो वाला से थोड़ा थोड़ा क्लिप यहाँ पे काट करके तुम जो है वो सब दे सकते हो, ठीक है। और अगर तुमको बिल्कुल सेफ रहना है तो तुमको डायरेक्टली जो यहाँ पे जो पिक्सल होता है और पिक्सल यहाँ पे बहुत सारा जो वेबसाइट होता है ये वाला वीडियो पे मैंने तुमको बताया था सारा वेबसाइट के बारे में, तो उधर से वीडियो लेके उसके ऊपर वॉइस ओवर डाल देना, ठीक है, उससे तुम्हारे यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। बट हाँ अगर तुम यहाँ पे कोई चैनल का थोड़ा क्लिप वगैरह यूज करते हो तो कॉपीराइट नहीं आता जहाँ तक मुझे पता है, बट ये सीजी मीटअप वाले गाइस यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे अभी झमेला कर रहे, ठीक है। बट ये सीजी मीटअप वाले जो है एनिमेशन वाले इसका तो कुछ पता नहीं यार, मतलब वार्निंग भी नहीं देता है, ठीक है, डायरेक्टली स्ट्राइक देता है। वहाँ पे ऑप्शन आता है कि तुम उसको वार्निंग दे सकते हो कि अगर वो 7 दिन में बंदा जो वीडियो नहीं हटाता है तब जाके उसको स्ट्राइक पड़ेगा, ठीक है। और गाइस बंदा यहाँ पे जो 7 दिन में वीडियो हटा लेता बट ऐसा नहीं कर रहे हो, लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो स्ट्राइक मार रहे हैं, जो कि एज अ यूट्यूबर गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्या ही कर सकते हो। तो अगर तुम लोग यहाँ पे कुछ छोटा छोटा क्लिप लेते हो दूसरा चैनल से तो मुझे जहाँ तक लगता है कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, तो तुम वहाँ पे लेकर थोड़ा यहाँ पे जो वॉइस ओवर कर सकते हो। बट तुमको एक बार याद रखना है कि एनिमेशन वाला जो नहीं लेना है, मतलब सीजी मीटअप सीजी ब्रो, ठीक है, इसका तुमको किसी भी हालत पे वीडियो नहीं लेना है। और देखो अगर तुम यहाँ पे ऑलरेडी सीजी मीटअप और सीजी ब्रो जो एनिमेशन वाला जो यहाँ पे फेक वीडियो है उसके बारे में तुम यहाँ पे फेक वीडियो बना चुके हो एंड उस पर तुम्हारा अच्छा खासा व्यूज भी है, तो गाइस मैं तुमको 100% बता रहा हूँ आज नहीं तो कल तुम्हारा भी स्ट्राइक आएगा, ठीक है। तुम देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे फ्रेंड का 2000 सब्सक्राइबर वाला चैनल है, ठीक है, उस पर भी स्ट्राइक आ चुका है और 14,000 ही मात्र व्यूज है, मिलियंस पे भी उसका व्यूज नहीं गया तब भी स्ट्राइक आया है। तो अगर तुमने यहाँ पे वीडियो बना रखा है ये वाला एनिमेशन वाला सीजी मीटअप सीजी ब्रो और अगर उससे नहीं भी लिया है, कोई दूसरा चैनल से लिया है, लाइक कोई दूसरा फेक चैनल है उसका तुमने वीडियो डाउनलोड किया और उसके ऊपर वॉइस ओवर किया, तब भी तुमको स्ट्राइक आएगा गाइस। तुम तो सोच रहे हो कि गाइस मैंने जो यहाँ पे सीजी मीटअप से नहीं लिया है, कोई एक अलग जो फेक चैनल था उससे लिया है, बट ऐसे में भी तुमको यहाँ पे जो स्ट्राइक पड़ जाएगा। तो बेहतर यही होगा गाइस कि तुमने अगर जो भी बना रखा है एनिमेशन वाला वीडियो तो उसको तुमको प्राइवेट कर देना, ठीक है, या डिलीट कर देना डायरेक्टली वो वीडियोस को गाइस यहाँ पे किसी भी हालत में यहाँ पे जो पब्लिक नहीं रखना है, ठीक है, अदरवाइज गाइस तुमको यहाँ पे पकड़ा जाओगे और तुमको यहाँ पे जो स्ट्राइक वगैरह पड़ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्टली उसको डिलीट कर देना और तुमको यहाँ पे जो खुद का अपना कंटेंट बनाना है, ठीक है, और अगर तुमको क्लिप वगैरह चाहिए भी तो वो चैनल समझ लेना, कोई यहाँ पे दूसरा चैनल चलेना, ठीक है, और जो भी क्रेडिट वगैरह है वो थोड़ा यहाँ पे दे देना और तुमको यहाँ पे जो खुद का कंटेंट बनाना है, ठीक है, भले व्यूज वगैरह कम है, एनिमेशन में तो दबा के यहाँ पे व्यूज आते थे, ठीक है, करोड़ करोड़ में भी यहाँ पे जो मतलब व्यूज आते थे, इसलिए तो उन लोगों को यहाँ पे जो नजर पे आ गया, वो टारगेट पे आ गया, उन्हें लगा हमारा काम का ये लोग जो यहाँ पे पूरी तरह से फायदा उठा रहे, तो खुद का कंटेंट बनाना जितना व्यूज है उसको तुमको यहाँ पे जो सेटिस्फाइड
क्वाड्रेंट, वो वाला चैनल से मतलब क्लिप्स वगैरह मतलब कोई दूसरा चैनल से चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। उस पर भी रिस्क रहता है, तो रिस्क गाइस यहाँ पे हर चीज में यूट्यूब पे पूरा यहाँ पे रिस्क ही है। खुद अभी जहाँ पे कैरी भाई का चैनल है जो अभी सबसे बड़ा यूट्यूबर इंडिया का, ठीक है, उसका भी चैनल एक बार पे उड़ने वाला था। ये कॉपीराइट वगैरह का जो डर हम लोग को यहाँ पे जो हमेशा रहता है, तो इतना भी तुमको अगर बच के चलोगे तो फिर तुम यहाँ पे जो कुछ क्लिप वगैरह यूज नहीं कर पाओगे। तो दूसरा चैनल से हो सके तो थोड़ा थोड़ा तुम यहाँ पे जो क्लिप्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस फाइनली अब यहाँ पे जो वीडियो को एंड करता हूँ यार, और जो भी मैंने तुमको बताया होप तुम लोग को यहाँ पे जो याद रहा होगा। और गाइस अगर तुम लोग अभी तक यहाँ पे वीडियो को देख रहे हो तो तुमको फटाफट से कमेंट सेक्शन पर जाकर 000000 ये वाला कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पे जो मेरे वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखेगा। ये वाला खास करके जो ये वाला वीडियो है, ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था यार। तो चलो गाइस मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे यहाँ पे वीडियो प्लान करके रखा हूँ, ठीक है, सारा वीडियो आएगा। और यहाँ पे जिसका भी चैनल यहाँ पे डिलीट वगैरह हो चुका है एंड स्ट्राइक वगैरह आ चुका है यार, तुम लोगों के लिए यहाँ पे जो मुझे बहुत ज्यादा मतलब बुरा फील हो रहा है, क्योंकि एज ए यूट्यूबर पता होता है कि कितना ज्यादा जो हमारे लिए चैनल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट कोई ना गाइस तुम लोग यहाँ पे दिल को मतलब छोटा मत करो, ऐसा नहीं कि चैनल वगैरह उड़ गया तो फिर से यहाँ पे जो काम ही नहीं करना है। काम करो गाइस, मेहनत करने से यहाँ पे सब होता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो हम लोग यहाँ पे टेस्ट ले रहा है जिसका भी यहाँ पे चैनल वगैरह डिलीट हुआ, ठीक है, तो दिल को छोटा मत करो यार, काम करो मेहनत करो, फिर से तुम लोग का चैनल जो है उसी लेवल पर जाएगा। चलो यार ठीक है, अभी मैं थोड़ा यहाँ पे ये वाले वीडियो पे एडिटिंग वगैरह भी नहीं किया, ठीक है, वो तुम लोग यहाँ पे संभाल लेना। तो मिलते हैं यार किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तुम जहाँ पर भी हो जैसे भी हो, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग।